उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इतना मुझे अभी बातें का हलवा, ये मैंने मलाई ली थी एक डब्बा पूरा भर के, इसको मेल्ट कर लिया और इसमें एक जग भर के दूध का डाल दिया, तो इसको हम बॉइल करेंगे, फिर इसमें इलायची डाल देंगे, डेढ़ किलो काजू, इसको हम बारीक छील लेंगे अच्छी तरह, फिर उसको धोके तो इसको क्रश करेंगे, क्रश करके इसमें पकाना जब तक के गाजरे गल ना जाए और दूध आधा ना रह जाए, यानी कि दूध कम हो जाए, इसका खुश्क हो जाए, फिर इसके बाद हम इसमें चीनी डाल के तब इसको पकाएंगे। चीनी अपना पानी छोड़ देगी, वो भी तब तक इसके पकाएंगे जब तक चीनी का पानी, जैसे चीनी का पानी खुश्क हो जाएगा उसमें हम घी ऐड कर देंगे, फिर हम इसे इसकी अच्छे से बनाई करेंगे। तकरीबन जो है ना थोड़ा सा रह गया, जैसे ये खुश्क हो जाता है तो फिर हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। मैं बताती हूँ चीनी कितनी, आप वैसे जो है ना चीनी आप अपने हिसाब से ऐड कर रहे हैं, किसी को बहुत मीठा पसंद होता है, किसी को कम मीठा पसंद, तो अपने अंदाजे से आप डाल दें चीनी, तो बाद में जो है ना इसको चेक कर लें, अगर फीकी तो इसमें और ऐड कर दें चीनी, दूध खुश्क हो गया है तब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अब चीनी ऐड कर
चीनी छोड़ देगी, इसको भी पकाना। जब ये अच्छी तरह पक जाएगा मतलब कि चीनी पानी खुश्क हो जाएगा, फिर तो इसमें हम घी और जो जैसे घी नहीं होता वो ऐड कर देंगे, फिर इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई में टाइम लगता है, फिर ही इसकी सही शक्ल नज़र आएगी। अभी तो ये वैसे ही आपको नज़र आ रहा है ना कि अभी ये पानी तो पानी छोड़ेगी चीनी, तो देखो ना पानी छोड़ रही है चीनी है। इसका मीठा भी चेक करेंगे थोड़ी देर तक, अभी इसका पकने के लिए छोड़ देते हैं पानी। चीनी अच्छे से ये छोड़ देगी अपनी, तो मुझे थोड़ी सी और आती है चीनी। ये देखिए, जैसे ही पानी खुश्क होता है तो हम इसमें घी डाल देंगे। घी डाल के इसकी भी हम अच्छे से बनाई करेंगे, फिर मैं आपको इसकी फाइनल तो बहुत मज़े का बनता है। आज हम थोड़ी सी हल्की कर देते हैं क्योंकि इसको यहाँ पे फिर लगने का खतरा होता है, यहाँ पर लगना चाहिए कि पानी भी खुश्क होना स्टार्ट हो गया हुआ। ये मुझे मैंने चीनी थोड़ी सी और ऐड की थी, मुझे कम लग रहा था मीठा, तो फिर मैंने इसमें और ऐड की चीनी का पानी भी छोड़ दिया हुआ, लेकिन अब बहुत कम रह गया हुआ है, तो हम इसमें अब घी भी ऐड करते हैं। ऐसा है कि ये उसमें डाल मैंने पहले हलवा भी बनाया था उसका बचा हुआ था, अगर मुझे कम लगेगा तो और ऐड कर देंगे, यहाँ तक मुझे ज़्यादा कि ये पूरा हो जाएगा। ये देखिए ना इस पर घी भी आया हुआ, ये मलाई ने अपना भी छोड़ दिया है। बनाई हो जाएगी तो ये चिपकना बंद हो जाएगा, हल्का जो है ना पतला, जैसे ये घी छोड़ देगा तो इसे चिपकना बंद हो जाएगा, फिर ये आसानी से नहीं होगा। अभी तो थोड़ी मुश्किल आ रही है ना, अभी भजनी है ये, जैसे जैसे ये चिपकना बंद हो जाएगा वैसे वैसे ये हल्का हल्का होता जाएगा। ये आप खोया इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने खोया नहीं डाला क्योंकि मलाई डालनी थी तो मुझे खोया डालने की ज़रूरत ही नहीं इसके ऊपर। ये खोए जैसे ही टेस्ट आ रहा है, हलवे में बहुत मज़े का बना है। ओके गाइस, अल्लाह।